साल 1971, तारीख थी 3 दिसंबर। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेनाएं हर मोर्चे पर पाकिस्तानी आर्मी से लोहा ले रही थी। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तान से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद अहम था, जिसकी वजह से वहां हमले का खतरा बढ़ गया था। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय खेमे में एक ऐसा जाबाज बैठा है जो उनके होश उड़ाने के लिए अकेला ही काफी है, जिसका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ और आप हैं मंच पर। खतरे की आशंकाओं के बीच ही एयरबेस पर 14 दिसंबर 1971 को सुबह लगभग 8 बजे एक सायरन बजा और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो अपने लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह वहां पर 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थे। भारतीय वायुसेना को खबर मिली कि 26वीं स्क्वाड्रन के 6 पाकिस्तानी वायुसेना F-86 जेट विमान भारतीय सीमा में घुस आए हैं और वो जम्मू एयरबेस को तबाह करने की फिराक में हैं। इन पाकिस्तानी विमानों से लोहा लेने के लिए लेफ्टिनेंट घुम्मन और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने फोलान नेट एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही लेफ्टिनेंट घुम्मन ने विजुअल्स खो दिए। अब कमान सेखो के हाथ में थी। जब तक सेखो हवा में पहुंचे ही थे, उन्हें 4 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान घेर चुके थे जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे। इसी बीच सेखो ने अपनी रफ्तार से पाकिस्तानी विमानों को चौंका दिया। उन्होंने कुछ ही पलों में एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया। सेखो अपनी रफ्तार से पाकिस्तानी विमानों को उलझा रहे थे। सेखो ने अकेले ही दुश्मन के 6 लड़ाकू विमानों का सामना किया और उन्हें भगाया। अगर उस दिन सेखो नहीं होते तो शायद जंग की आखिरी तस्वीर कुछ और ही होती। कहा जाता है कि उस दिन युद्ध के दौरान सेखो की बहादुरी, अपने एयरक्राफ्ट की बेहतरीन मैन्यूवरिंग और कभी ना हार मानने का जज्बा देखकर दुश्मन भी हैरान था। हवा में युद्ध के दौरान जब सेखो का जेट एक बार हिट हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल रहे स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया ने उन्हें बेस पर लौटने की सलाह दी, लेकिन सेखो ने दुश्मन को खदेड़ना जारी रखा। उनका जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तानी विमान यह देखकर लौट गए। सेखो ने आखिरी वक्त में एयरक्राफ्ट से निकलने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुए। उनकी कैनोपी उड़ती हुई देखी गई। विमान का मलबा एक खाई में मिला, मगर सेखो के पार्थिव शरीर का कुछ पता नहीं चला। निर्मलजीत सिंह सेखो का जन्म 17 जुलाई 1943 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक सैनिक परिवार में हुआ था। वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरलोक सिंह सेखो के बेटे थे। उन्होंने 4 जून 1967 को एक पायलट अफसर के रूप में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने 14 दिसंबर के दिन आसमान में जो जादूगरी दिखाई, उससे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हैरान थी। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा ने जंग के अपने अनुभवों में सेखो की बहादुरी को सलाम किया है। मिर्जा ने एक लेख में उस जंग का पूरा ब्यौरा सामने रखा है। मिर्जा ये भी लिखते हैं कि पायलट ने बेस को खबर की थी कि उसका विमान हिट हुआ है। बेस ने कहा कि लौट आओ, मगर इसके बाद पायलट ने कुछ और नहीं कहा। सेखो भारतीय वायुसेना के इकलौते ऐसे जवान हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्धकाल में वीरता का ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।